प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला, सहायक आचार्य योग, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, पिछले सत्र में हम लोगों ने महर्षि पतंजलि के प्रथम पाद समाधि पाद का पूर्ण अध्ययन कर लिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समाधि पाद में कुल 51 सूत्र थे। उसको पूर्ण करने के बाद आज हम लोग द्वितीय अध्याय साधन पाद में प्रवेश करेंगे। आइए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। हम बताना चाहेंगे हमारा जो ब्लॉक 2 है, खंड संख्या 2, यूनिट नंबर 4 साधन पाद में, खंड संख्या 2 यूनिट नंबर 4 में ही हमारे विषय में आता है। आज हम इस द्वितीय अध्याय साधन पाद की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम परमात्मा को नमन करते हुए, क्योंकि पूरा योग जो ग्रंथ है, पूर्णतः योग साधना अपने आप को जानने की एक विधि है। महर्षि पतंजलि ने इस पतंजलि योग सूत्र में उसी विधि को विश्लेषित किया है। तो प्रथम पाद समाधि पाद को पूर्ण करने के बाद द्वितीय पाद, जैसा कि हम सभी जानते हैं, साधन पाद है, इसकी शुरुआत करेंगे। प्रथम पाद के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो महर्षि पतंजलि ने अभ्यास और वैराग्य से साधना का आरंभ बताया। धैर्य पूर्वक इनके सतत अभ्यास द्वारा चित्त वृत्तियों का शांत हो जाना उन्होंने स्पष्ट किया कि अभ्यास किसका करें। ईश्वर के स्वरूप का हमने प्रथम पाद में ही वर्णन प्राप्त किया था। क्लेश और कर्मों से अत्यंत परे है वह ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है। उस ईश्वर जो सर्वगता एवं सहज का बीज है, उसको ओम या प्रणव के नाम से हम जानते हैं। उस ओम का जप किया जाता है, ईश्वर का चिंतन करें। इससे क्या होगा, जो अंतराय थे या जिनको विघ्न कहते थे, वो अंतराय और विघ्न समाप्त हो जाते हैं। और साधक योग की समाधि जो आखिरी अवस्था है अष्टांग योग में, उस तरफ आप बढ़ जाते हैं। उन्होंने समाधि के सहयोगी साधनों का भी उल्लेख किया। स्वप्न से सहयोग आप्त पुरुषों या महापुरुषों की रहनी, उनके दर्शन, उनसे सहयोग लेने का निर्देश दिया। योग का अनुष्ठान जो आपको अभिमत है, उसके अनुकूल आशय को बदल लेने का भी वर्णन इसी समाधि पाद में हमको प्राप्त हुआ था। फिर ध्यान जमता नहीं, निरंतर अभ्यास होता नहीं, नाम रूप में चित्त टिकता नहीं। इन सभी को कैसे हम अपने अनुकूल करके और योग की आखिरी अवस्था, जिसको हम पूर्ण अवस्था या समाधि की अवस्था कहते हैं, वहाँ तक का वर्णन किया था हम महर्षि पतंजलि। हमने जैसा अभी जाना कि समाधि पाद में 51 सूत्र थे, द्वितीय अध्याय या द्वितीय पाद जिसको साधन पाद कहते हैं, आज इस प्रथम सूत्र से शुरुआत करेंगे। तो प्रथम सूत्र क्या है? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। महर्षि ने क्रिया योग की बात किया है पहले ही सूत्र में। उसके 3 अंग थे, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान अर्थात शरणागति से योग की क्रिया आरंभ होती है। योग क्रिया यहीं से आरंभ होती है, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आइए इसको देखते हैं, तप क्या है। गत अध्याय में महर्षि ने एक ईश्वर का स्वरूप, एक ईश्वर की शरण और उसके नाम का जप बताया। अब प्रस्तुत अध्याय में वह कहते हैं कि मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालना तप है। तप क्या है? तो मन और इंद्रियों को ईश्वर के अनुरूप तपाना, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना, उसके लिए अनुष्ठान करना, ये क्या है? तप है। अपने मन को स्वयं अध्ययन करना स्वाध्याय है। मन कितना लगना चाहिए, कितना लग पाया है आप्त पुरुषों के वाणी के अनुरूप, मैं कितना ढल पाया हूँ, अभी कितनी त्रुटियाँ हैं, इस प्रकार स्वयं का अध्ययन करते हुए साधन में अग्रसर होना स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? अपने आप को जानने की प्रक्रिया। योग में आप कितने देर लगे रहे, कितना लगना चाहिए, कितनी कमियां रह गई, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी जो योग जहां से आरंभ होता है, उसको करने में आपको मन लगाना,
कितने देर आप रह पाए। आपके जो महापुरुष जिन्होंने योग की प्राप्ति किया, उन्होंने जो वाणी दिया, उसके अनुसार आप कितने आप अपने आप को ढाल पा रहे हैं, इसका अध्ययन ही स्वाध्याय है। आगे शरणागति पे आते हैं। ईश्वर प्रणिधान अर्थात एक ईश्वर के प्रति मन कर्म वचन से समर्पण, बस इतना करते ही योग क्रिया आरंभ होती है। ईश्वर प्रणिधान क्या है? शरणागति, हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ भी महर्षि ने शरणागति या ईश्वर प्रणिधान का नाम लिया। तो क्रिया योग में तीन चीज़ें आती हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसी को महर्षि ने सूत्र रूप में वर्णित किया। इसके बाद ही योग क्रिया का आरंभ होता है। महर्षि ने इसको वर्णित किया है दूसरे सूत्र में, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। समाधि भावनार्थ और क्लेश तनु, तनु मतलब कम होना, मिट जाना। फिर क्या है, इन क्रियाओं से समाधि के प्रति श्रद्धा भावना स्थिर हो जाती तथा क्लेश क्षीण होकर बलहीन हो जाते हैं। तो ये क्रिया योग की आवश्यकता क्या है? समाधि और क्लेश जो है उनको कम करने के लिए क्रिया योग की आवश्यकता है। आगे देखते हैं जिन क्लेशों को क्षीण होना है वो कौन कौन से, तो बताते हैं महर्षि बताते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, सन्निवेश, क्लेशा। अविद्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, ये कौन से हैं? ये पांच क्लेश हैं, ये पांच क्लेश हैं। इन पांच क्लेशों से ही जीव मात्र इस संसार चक्र में घूमने वाला महादुखदायक है, यही जन्म मृत्यु के कारण है। तो अभी क्या है, योग क्या है? योग ऐसी अवस्था जहाँ से आप मुक्त हो जाते हैं इस जन्म मृत्यु का जो चक्र है, यह संसार चक्र जिसको हमने पढ़ा है, योग दर्शन उससे मुक्ति का एक उपाय है। महर्षि पतंजलि ने इसको यहाँ पे वर्णन किया है कि पांच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यही कारण है। मुख्य प्रमुख क्लेश है वो अविद्या है। तो अविद्या का उन्होंने वर्णन किया, अविद्या क्षेत्र मुत्रेशाम प्रसुत तनु विच्छिन्न दाराणाम। अविद्या क्या है? अविद्या क्या है? चार क्लेश जो है आपके अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनका एक तरह से क्षेत्र है, ये मुख्य या मुख्य कारक ये अविद्या है। ये क्लेश जो अविद्या है ये प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इस प्रकार चार अवस्थाओं में रहता है। ये मुख्य रूप से क्या है? चार अवस्थाएं। कौन कौन से? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। अस्मिता आदि क्लेशों का कारण अविद्या है, जैसे यहाँ पे हमने बताया मुख्य कारण अविद्या है, यहाँ पे आया हुआ है। ये चारों अविद्या से ही जागृत होते हैं, चारों मिट भी जाएं अविद्या बनी रहेगी। तो मुख्य या प्रमुख जो क्लेश है वो अविद्या है। ये चार अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्था है? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इनको हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्लेश जब अपना कार्य नहीं करते हैं वह उनकी प्रसुप्त अवस्था है। अब यहाँ पे उसका वर्णन, प्रसुप्त क्या है? जब ये क्लेश अपना कार्य नहीं करते वो प्रसुप्त है, बने हुए हैं लेकिन अभी प्रसुप्त हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे है ही नहीं किंतु क्रियाशील नहीं है, वो हैं लेकिन क्रियाशील नहीं है, तो वो क्या हुए? प्रसुप्त हुए। उद्दीपन पाने पर वह फिर क्रियाशील हो सकते हैं। इन सभी क्लेशों का मूल कारण अविद्या इस सूत्र में कहा गया है। महर्षि ने यहाँ इस सूत्र में, पांचवें सूत्र में बताया, अनित्य सुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुख ख्यातिर विद्या सुखात्म ख्यातिर विद्या। तो अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्मा में क्रमशः, इन चारों में क्रमशः नित्य को क्या मान लिया गया? अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख, अनात्म को आत्म की प्रतीति अविद्या है। ये चार चीजें हैं। अविद्या क्या है? अनित्य को नित्य मान लेना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मान लेना, अनात्म तत्व को आत्म तत्व मानना ही अविद्या है। तो वास्तव में अविद्या जो क्लेशों के मुख्य कारण है, ये चार चीजों में बटी हुई है। तो सत्य वस्तु है, अब वास्तव में सत्य क्या है? सत्य वस्तु है आत्मा, ये हम पढ़ते हैं, मिथ्या जगत पसारे कहावत है। सत्य अर्थात नित्य, एकाकार, दृष्टा, पुरुष। पुरुष किसको कहा है महर्षि ने? वहाँ पे ईश्वर का वर्णन किया, तो ईश्वर ही एकमात्र सत्य माना गया है। इसी को आचार्य शंकर ने भी अपने दर्शन में दिया है, वेदांत दर्शन में, यही महर्षि ने भी यहाँ पे वर्णन किया। संसार में शरीर, शरीरों के संबंध अनित्य हैं, जितनी चीज़ें हैं सभी चीज़ें अनित्य है, इनका नाशवान है, ये सभी भौतिकता को प्राप्त है और भौतिक चीज़ें अंत में नाशवान है योग दर्शन के अनुसार। इन अनित्य संसार को नित्य मान बैठ लेना अविद्या है। तो
अनित्य संसार जो है उसको नित्य मानना ही अविद्या है। इसी प्रकार जो अपवित्र है, अनंत दुखों का कारण है, उसे पवित्र मानना और उसमें सुख की अनुभूति करना अविद्या है। तो ये जो हमने अभी महर्षि ने लिखा है, अनात्म तत्व को आत्मतत्, अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र और दुख को सुख मान लेना, ये वास्तव में यही अविद्या है। इसी को महर्षि कबीर या संत कबीर ने अपने साखी में कहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो ये वास्तव में अविद्या है, जो असत्य है उसको सत्य मान ले लिए हैं, जो पवित्र है वो पवित्र मान लिए। इसी प्रकार महर्षि ने यहाँ पर अविद्या को परिभाषित किया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन आत्मा ही सत्य है, वहाँ पे भी हमको आत्मा की बात आती है। यहाँ पे भी महर्षि ने पतंजलि योग दर्शन में आत्मा का वर्णन किया है, और समस्त भूतादिकों के शरीर नाशवान, इनका अस्तित्व नहीं है, सब अनात्मा है, अनात्मा है, इनका कोई अस्तित्व नहीं, फिर भी शरीरों को आत्म मान लेना अविद्या है, यही सब दुख के कारण है। फिर भी उसे सांसारिक वातावरण में ईश्वर और सुख की मान्यताओं को गढ़ लेना अविद्या है। जो चीज़ें महर्षि पतंजलि ने अपने पतंजलि योग दर्शन में कहा, वही आपको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है। सारांशतः जो परमात्मा नहीं है उसी को भगवान माने हुए लोग बैठे हैं। इस प्रकार अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, सुख दुख को सुख, अनात्म को आत्मा मान लेना, उसमें व्यस्त रहने का नाम ही अविद्या है। अब क्लेश, अब शेष क्लेश, अस्मिता का स्वरूप बता। तो अस्मिता क्या है? दृग दर्शन शक्ति हो रेकात्म ते वास्मिता, दृग और दर्शन शक्ति को एक मान लें, दृग और दर्शन शक्ति इन दोनों को एक रूप हो जाना अस्मिता है। दृग शक्ति, और दृग शक्ति क्या है? अर्थात दृष्टा, दृष्टा को महर्षि ने क्या कहा? पुरुष कहा है। दर्शन शक्ति अर्थात मन बुद्धि चित्त और इंद्रियां, जिन उपकरणों पर दृश्य उभरते, इन दोनों की एक रूपता अस्मिता है। दृष्टा और दृश्य की एक रूपता, दृष्टा कौन था? पुरुष है। दृश्य क्या है? मन बुद्धि चित्त, है ना, मन बुद्धि चित्त और इंद्रियां, ये दृश्य है। दृष्टा और दृश्य को एक रूप मान लेना है अस्मिता है। दृष्टा चेतन है और दृश्य क्या है? उपकरण है या जड़ है। दृष्टा चेतन है और दृश्य उपकरण है या जड़ है। दृष्टा अपने को मन बुद्धि चित्त इत्यादि मान बैठता है। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, यद्यपि मिसा छूटत कठिनाई। चेतन का जड़ के साथ यही मिश्रण अस्मिता का नामक क्लेश है। तो अभी क्या है? अस्मिता क्या था? तो दृश्य, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा एकदम स्पष्ट है महर्षि पतंजलि, दृष्टा यानी पुरुष, दृश्य यानी कि या भौतिक चीजों का एक मान बैठना। तो दृष्टा का दृश्य में एक रूपता, या दृष्टा दृश्य को एक मान लेता, तो यही अस्मिता नामक क्लेश है। आगे देखते हैं राग। राग के लिए महर्षि ने क्या क्या कहा? सुखानुसई राग, सुख की प्रतीति के पीछे दौड़ने वाले मन के स्वभाव को राग कहते हैं। तो राग क्या है? स्पष्ट है, जिन वस्तुओं से आपको सुख की अनुभूति होती है, उसकी प्रतीति, उसके लिए बार बार दौड़ना, उसके लिए अपने आप, अपने मन को बार बार उसके पीछे ले जाना, या मन आपको उस कार्य को करने के लिए बाध्य करता है, उस कार्य को करने के लिए मन बार बार करता है जिससे आपको सुख की अनुभूति है, तो वास्तव में महर्षि ने क्या कहा? ये राग नामक क्लेश है। ये एक तरह का क्लेश है जो आपको इसके पीछे ले जा रहा है। ये मन आपको वहीं ले जाएगा जिससे आपको कुछ क्षण के लिए सुख मिलेगा, लेकिन वास्तव में वो क्लेश सुख नहीं है, वो वास्तव में क्या है? राग नामक एक क्लेश है। जिस किसी वस्तु से सुख की प्रतीति होती है, तुरंत उससे लगाव हो जाता है। एकदम सत्य बात है शिक्षार्थियों, जैसे आपको कभी कभी क्या है, कोई ज़्यादा अच्छा लगेगा तो बार बार मन उसी को पढ़ने के लिए कहता है। कुछ विषय आपको खराब लगता है, कठिन लगता है, तो आप उसको पढ़ने से बचते हैं, या सभी के साथ ऐसा होता है। तो वास्तव में क्या है? एक क्लेश है, जिसको हम क्या, महर्षि ने किस नाम से दिया? राग के नाम से। आगे देखते हैं, यह भी एक क्लेश है। देखिए यह एक क्या है? क्लेश है। अनुकूल पदार्थों में सुख की प्रतीति, जो आपके अनुकूल है उसमें आपको सुख की प्रतीति होगी, तथा उसे सदैव भोगने की आकांक्षा, वो आसक्ति है, यही राग है। वास्तव में जो अच्छा कार्य है, जो आप, जिसमें आपको मन लगता है, उसी को करने में
आपका मन करेगा वही आ सकती है। और ये वास्तव में क्या है, राग नामक क्लेश है, सुख की प्रतीति के साथ साथ रहने वाला एक क्लेश है, इसी को राग नामक क्लेश कहा जाता है। आगे देखते हैं द्वेष। द्वेष क्या है, दुखानुसयी द्वेष, दुखानुसयी द्वेष। प्रकृति के जिस किसी पदार्थ में दुख की प्रतीति होती है, मन उसका विरोध करने लगता है, यही द्वेष नामक क्लेश। कोई कार्य करने में आपको कठिन लग रहा है, कोई कार्य आप सरलता से नहीं कर पा रहे हैं हम सभी, तो वो क्या है, उसमें दुख की अनुभूति होती है, उससे दुख आता है, उससे मन भागता है कि वो कार्य ना करना पड़े, तो वास्तव में वो क्या है, एक क्लेश है। तो राग और द्वेष भी एक क्लेश है। दुख के पीछे रहने वाला प्रतीति द्वेष। अब इसको थोड़ा सा गीता के अनुसार क्या है, तो गृह इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो त्याने वच माग छेतो ह्यस्त परिपंथिनो। इंद्रियों और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष निवास करते हैं, इंद्रिय और उनके इंद्रियों के भोगों में ही ये राग और द्वेष निवास कर रहे हैं। साधना पथ के दुर्जय शत्रु हैं, इनको गीता में दुर्जय शत्रु माना गया है। इंद्रिय और इंद्रियों के जो भोग हैं उसमें राग और द्वेष निवास करते हैं, और ये साधन पथ के दुर्जय शत्रु, इनको वश में नहीं आना चाहिए, इनके वश में नहीं आना चाहिए। राग और द्वेष इंद्रियों और उनके भोगों से टकराव से होते हैं, भोग अनुकूल मिला तो राग, प्रतिकूल मिला तो द्वेष उत्पन्न होता है, साधक को इनसे सतर्क रहना चाहिए। तो राग और द्वेष को गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग माना है, या इनको क्लेश के रूप में माना है, और इनसे बचने का उन्होंने निर्णय दिया है कि इस राग और द्वेष से आपको बचना है। तो इंद्रिय और इंद्रियों के जो भोग हैं उनसे आपको बचेंगे तो राग और द्वेष से आप बचे रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे एक सूत्र आया जिसको तीसरे अध्याय में चतुर्थवें श्लोक में महर्षि श्री कृष्ण ने वर्णित किया है। आगे देखते हैं अंतिम क्लेश। अंतिम क्लेश है, अंत में अंतिम क्लेश अभिनिवेश का स्वरूप बताते हैं महर्षि। तो कहते हैं स्वर स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश, स्वर स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। पूर्व निवास के प्रति ममत्व, पूर्व निवास के प्रति ममत्व अभिनिवेश। अब ये पूर्व निवास क्या है, पूर्व निवास क्या शरीर का जो लगाव है उसको कहेंगे। तो महर्षि ने यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट किया, जो मूढ़ों की बात विवेकशील पुरुषों में भी, मूढ़ों की बात ही विवेकशील जो उनमें भी परंपरागत रूप से विद्यमान है। जहाँ हम पहले निवास करते थे उसके प्रति खिंचाव आकर्षण अभिनिवेश, अर्थात जहाँ आपका निवास है वहाँ से एक तरह से आपका लगाव हो जाता है। जहाँ आप रहने लगते हैं, जहाँ आपकी व्यवस्था अच्छी हो गई, वहाँ से आपका एक तरह से लगाव हो जाता है, वो वास्तव में एक क्या है, क्लेश। योग की भाषा में या महर्षि पतंजलि जी के अनुसार वो एक प्रकार का किए क्लेश है, जिसको उन्होंने अभिनिवेश का नाम दिया है। यह स्वर में प्रवाहित होकर जन्म जन्मांतरों से, एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट, जन्म जन्मांतरों तक पीछा करता है। संसारिक निवास हमारा घर नहीं है, यह वास्तव में क्या है, जो संसारिक निवास ही हमारा वास्तविक घर नहीं है, ये जन्म जन्मांतर से शरीरों की एक योनि से दूसरे योनि में चलने वाली यात्रा है, उसको महर्षि ने यहाँ पे क्या है? योग के में क्या नाम दिया है, अभिनिवेश नामक क्लेश दिया है। इससे हमने अपना मान भर रखा है। अब इसको देखिए, अब कबीर ने यहाँ पे इसको लिखा था, तमन घर चेत ही रे भाई आवागमन मिट जाए, जहाँ से आपका आवागमन मिट जाए उस घर को चेतिए, कह कबीर निज घर चलो जहाँ काल नहीं जाए। तो अभिनिवेश वास्तव में आपको कहा गया, यह आखिरी क्लेश था। तो आज हम लोगों ने क्रिया योग, उसके बाद अविद्या से लेकर अविद्यास्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, इन 9 सूत्रों में महर्षि ने इस पंच क्लेशों का वर्णन किया, और तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी नाम से हमने क्रिया योग का अध्ययन किया, उसको आगे विस्तार रूप से देखेंगे। और हम लोग साधन पाठ जो पूर्ण कर चुके हैं उसको आप पिछले हमारे जो लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं। आज हमारा ये 9
सूत्रों में साधनपाद यहाँ पे समाप्त करते हैं। इस 9 सूत्रों में हमने आज क्रिया योग से लेके अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो 5 क्लेश है उसको हमने अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।